कोई भी चीज अपने हाथ से जाती है तो हर लोग एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि रिकॉन्सिलेशन, बेचारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वार्ड के सदस्यों का सारा पैसा छीन करके ललित यादव जी के पॉकेट में डाल दिया गया जल नल योजना में, या कोई वार्ड का एक नल भी खराब होगा तो वह पटना आकर के महागठबंधन के राजद के मंत्री के पास मिलेगा कि मेरा नल खराब है, तो पटना से राशि उस बेचारे के नल को ठीक करने जाएगी। सही बात यह है, केंद्रीयकृत भ्रष्टाचार को बढ़ावा नीतीश कुमार दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। भाजपा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आज जमकर नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन पर हमलावर नजर आए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान तंज कसते हुए कहते नजर आए थे कि चाहे मल्लिका अर्जुन खड़गे हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों का एक ही सपना है और वो सपना है प्रधानमंत्री बनना, लेकिन दोनों का ही सपना पूरा नहीं हो सकता। इस गठबंधन में वो लोग हैं जो उन्होंने घोटाले किए और घोटाले से बचने के लिए इन्होंने ये गठबंधन बना लिया है। जैसे ही 2024 में चुनाव होंगे और भाजपा की सरकार एक बार फिर से बनेगी, वैसे ही इनका ये गठबंधन भी खत्म हो जाएगा। साथ ही के पाठक पर भी क्या कुछ कहते नजर आए हैं संजय जायसवाल, पहले आप वो सुने। कुछ भी नहीं है अभी, कुछ फाइनल नहीं है, इस तरह का कोई खबर भी नहीं है। समय के साथ जब तय होगा तो सबसे पहले आप सबों को सूचना देंगे। अच्छा सर, ये जिस तरह का इंडिया गठबंधन में बजाते आपने देखा होगा, खड़गे साहब ने कह दिया कि कौन बनेगा करोड़पति का सवाल है, आपको लगता है कि नीतीश का अपमान किया है? दोनों एक ही मानसिकता से चल रहे हैं, दोनों का एक ही सपना है कि प्रधानमंत्री बनना, भले वोट ना इनके पास है ना उनके पास है, दोनों अपने अपने सपने को साकार कर रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल और ममता जी ने थोड़ा उनको बढ़ा दिया है तो नीतीश जी दुखी हैं, तो ये सभी दुखी और घोटाले से बचने वाले प्राणियों का गठबंधन है। 24 में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के 3/4 बहुमत जीतने के साथ ही यह गठबंधन समाप्त हो जाएगा। सर, मोदी जी की रैलियों को लेकर के गठबंधन ने कहा है कि जनता जो है बिहार की वो उनसे हिसाब लेगी कि 10 साल के जो वादे थे उन्होंने कितने वादे पूरे किए। बिल्कुल, जनता जरूर यह जानती है कि जो मुफ्त राशन मिल रहा है वह माननीय मोदी जी के द्वारा मिल रहा है। 1,60,000 प्रधानमंत्री आवास की राशि को बिहार सरकार ने लौटा दिया है। वो सारे 1,60,000 गरीब नीतीश कुमार से हर हालत में बदला लेंगे। जो भी केंद्र की सुविधाएं मिल रही हैं वह सब जनता अच्छे से जानती है। मैं लगातार विकसित भारत यात्रा में था और यह सारी सुविधाओं के कारण मोदी जी को बहुत ही ज्यादा बहुमत से और बिहार के सभी सीटों पर बिहार की जनता जिताएगी। सर, जेडीयू सर कहा जा रहा है कि खरमास के बाद कुछ बिहार में बड़ा होगा, नया होगा, क्या आपको भी लगता है कुछ नया हो रहा है? ना कुछ बड़ा होगा ना कुछ नया होगा, सभी दुखी दल एक दूसरे पर तीर चलाएंगे, बस सभी के कर्कश खाली है। सर, जेडीयू के सांसद हैं कौशलेंद्र, उन्होंने कहा है कि राम जन्मभूमि को लेकर के जो न्योता दिया जा रहा है, कोई बेटा का शादी है जो बीजेपी वाले लोग नेता न्योता दे रहे हैं, हम लोग ऐसे भी राम जन्मभूमि पे जाएंगे। किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो पूरे समाज को, पूरे इलाके को जरूर बुलाया जाता है और अच्छे से सम्मान पूर्वक बुलाया जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम जो हैं वह पूरे देश के मर्यादा के प्रतीक हैं। यह 496 साल का संघर्ष और लाखों हिंदुओं के बलिदान के बाद आज पुनः भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और सभी इसमें आमंत्रित हैं। अच्छे व्यक्ति कभी कभी जरूरत से ज्यादा गड़बड़ी कर लेते हैं। यह के पाठक जी का इंटेंशन जो भी हो पर उनके शब्द उनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। जी, देखा जाए नीतीश कुमार के तो वो मुखिया लोग से मिल रहे हैं, जो आशा कार्यकर्ता थी ये तमाम लोगों को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया था, क्या फंडा चल रहा है नीतीश कुमार का? और 3 साल से सभी मुखिया का पैसा बंद किया है। कृपया कर जो पैसे केंद्र सरकार के आए हैं उसका सूद खाने के बदले उन मुखियों को राशि दे जिससे कि गाँव में विकास हो सके। नीतीश कुमार जी से अनुरोध है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना शेयर नहीं देने के कारण 1,60,000
घरों के पैसे को लौटा दिया गया है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के से पुनः यहाँ पे बनवाएं। और जब कोई भी चीज़ अपने हाथ से जाती है तो हर लोग एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि रिकॉन्सिलेशन, बेचारे प्रयास कर रहे हैं लेकिन वार्ड के सदस्यों का सारा पैसा छीन करके ललित यादव जी के पॉकेट में डाल दिया गया जल नल योजना में, या कोई वार्ड का एक नल भी खराब होगा तो वह पटना आकर के महागठबंधन के राजद के मंत्री के पास मिलेगा कि मेरा नल खराब है, तो पटना से राशि उस बेचारे के नल को ठीक करने जाएगी। सही बात यह है, केंद्रीयकृत भ्रष्टाचार को बढ़ावा नीतीश कुमार दे रहे हैं। आपने सुना भाजपा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल किस तरीके से आज जमकर हमलावर नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, इंडिया गठबंधन पर। भाजपा की जल्द ही रैलियां शुरू होने वाली है बिहार में 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर। इस पे इंडिया गठबंधन के लोग कहते नजर आए थे कि सवाल करेगी बिहार सरकार की 10 सालों में उन्होंने अपने किए हुए वादे पूरे क्यों नहीं किए, तो इस पर संजय जायसवाल ने भी जवाब दिया, कहा कि जो जनता है वो ये जानती है कि मुफ्त राशन उन्हें केंद्र सरकार के वजह से मिल पा रही है, जो योजनाएं हैं उनका फायदा भी उन्हें केंद्र सरकार के वजह से ही पहुंचता है, तो जो सवाल है जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार से जरूर करेगी कि इतने वर्ष सरकार में होने के बावजूद योजनाओं का फायदा आम जनता तक उनकी सरकार क्यों नहीं पहुंचा पाई। साथ ही के पाठक को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, यह भी हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।